अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 3 के बारे में था। यूनिट नंबर 3 में हम पोलर एक्सप्लोरर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अमंडसन की बात की थी कि किस तरह से वो एक्सप्लोरर बने, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में से, कैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने कौन कौन से पोल्स पर गए। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर में। चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया था, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में है। ओके, एक्सरसाइज ए पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड अमंडसन्स मदर वांट हिम टू बी। अमंडसन्स की मदर उसको क्या बनाना चाहती थी? आंसर, अमंडसन्स मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, ही फॉलोड हर विशेज अंटिल शी डाइड। ठीक है, तो उन्होंने भी उनकी विश को फॉलो किया जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट गेव अमंडसन्स द इंस्पिरेशन टू बी एन एक्सप्लोरर। अमंडसन वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स। एज अ चाइल्ड ही प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ एज एन एक्सप्लोरर बाय प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, स्लीपिंग विद हिज विंडो ओपन एंड रीडिंग अबाउट एक्सप्लोरर्स। एज एन एडल्ट ही वर्कड एज अ शिप्स क्रू मेंबर, वेयर ही वॉच्ड, लिसन्ड एंड लर्न्ड यूजफुल स्किल्स सच एज हाउ टू प्रिवेंट स्कर्वी, हाउ टू कीप वार्म एंड हाउ टू यूज डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज। यानी कि एक्सप्लोरर बनने से पहले अमंडसन की बहुत सारी एक्टिविटीज थी जिसे पता चलता था कि वो कैसे आगे जाके काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट की स्किल्स डिड अमंडसन लर्न अबाउट सर्वाइवल। अमंडसन लर्न सम यूजफुल सर्वाइवल स्किल्स बट ही वॉज ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड एंड वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स सीखी जो हमने सेकंड क्वेश्चन आंसर में देखी है। ठीक है, वो स्किल्स उसने सीखी थी, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड एंड वेल प्रिपेयर्ड, ही मेड श्योर ही नो हाउ टू सर्वाइव बिफोर सेटिंग ऑफ ऑन हिज ओन एक्सपेडिशन। डी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। वेरी कोल्ड टेम्परेचर, शेलो सीज एंड सी आइस मेड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेजेस। ठीक है, तो आपने इसका आंसर भी इतना ही करना है, बाकी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास ई, व्हेन डिड अमंडसन गेट टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कब उसने गेट किया था? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What did Amundsen's companion mistake the Eskimos for? Why? Amundsen's companion mistook the unit for caribou because they were so far away. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डिड अमंडसन टॉक टू एस्किमोज। अमंडसन टॉक टू एस्किमोज बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, नोज एंड शेक्स ऑफ हेड, गेस्चर्स एंड टोन्स ऑफ द वॉइस। ठीक है, ये वो तरीके हैं जिनसे वो एस्किमोज से बात करते थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अमंडसन डाई। अमंडसन की डेथ कैसे हुई थी? अमंडसन डिसअपीयर ऑन अ रेस्क्यू मिशन, सो वी वांट बी श्योर ऑफ हाउ ही डाइड। पीपल्स कैन डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड डू सम रिसर्च अबाउट। ठीक है, हमें क्या पता चला कि वो एक रेस्क्यू मिशन पे गए थे जहाँ पे वो डिसअपेयर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ और भी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं इसके मुतालिक, उनकी डेथ के बारे में जाके, क्योंकि अभी तक जो उनके बारे में है वो यही है कि वो किसी रेस्क्यू मिशन पर गए थे और वहाँ पे वो अपने शिप सवार रेस्क्यू करते हुए डिसअपेयर हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर थे, बाकी की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास, कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग एंड राइट देम। ठीक है, सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से कुछ ठीक है और कुछ गलत, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो ठीक है तो उन्हें आप राइट कर लें, जो गलत है तो उन्हें आप रीराइट करें, दोबारा से लिखें। सर्वे इज कॉज बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, सॉरी स्कर्वी इज कॉज बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी। ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। सेकंड है, गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज इजी, बिल्कुल भी नहीं, ये सेंटेंस गलत है, तो इसको हम कहेंगे गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इजी नहीं आएगा, इसको हम राइट करेंगे, तो ये होगा गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज वेरी डिफिकल्ट। अमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम दैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है, इसको भी हम इसी तरह रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी, इट इज ऑलवेज डार्क एट द साउथ पोल। तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि साउथ पोल में डार्क नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे नो। ठीक है,
द सन स्टेज ऑन द होरिजोन फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, ठीक है, सन यहाँ पे सेप्टेम्बर टू मार्च तक होता है. द नॉर्थ पोल इज नॉट ऑन लैंड, ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है, इसको भी हम इसी तरह रहने देंगे. और लास्ट है हमारे पास नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल. एनिमल्स, नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल, ठीक है, नहीं एनिमल्स लाइक तो यहाँ पे है नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल, के करीब कोई एनिमल्स नहीं रहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. एनिमल्स लाइक पोलर बियर, सील्स, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे. एंड नेटिव टू द नॉर्थ पोल, और जो है वो नॉर्थ पोल के साथ रहते हैं एनिमल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ पोल के साथ एनिमल्स नहीं होते, ठीक है. तो ये हमने इसको राइट कर लिया है रॉन्ग सेंटेंस को, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हम पहले भी करते रहे हैं. रेफरेंस हमें दिए गए हैं, उनके साथ हमें दो क्वेश्चन भी बता दिए जाते हैं, ये थ्री होते हैं. तो आपको पता है कि ये रेफरेंस हमारे चैप्टर से ही लिया जाता है, चैप्टर की रीडिंग हम कंप्लीट करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, यानी ये लाइन किसकी बोली हुई है, किसके मुतालिक बोली गई है. तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं आप उनको इजिली आंसर कर सकते हैं. फोर है हमारे पास, लुक एट द टू फैक्ट फाइल्स अबाउट द पोल, राइट फोर सेंटेंसेस इन विच यू कंपेयर द पोल. हमने जो अभी प्रीवियस पेजेस पे पढ़ा है, जो चैप्टर हम रीड कर रहे थे, ठीक है, उनमें हमने जो है वो पोल्स के बारे में, नॉर्थ पोल और वेस्ट पोल के बारे में हमने जो चार्ट देखा था, उसमें उन्होंने कहा है एग्जाम्पल द साउथ पोल इज कोल्डर देन द नॉर्थ पोल. एग्जाम्पल दे दी गई है जिस तरह से साउथ पोल कोल्ड होता है नॉर्थ पोल की निस्बत, इसी तरह से उन्होंने कहा है कि फोर सेंटेंसेस आप लोग लिखें इसके बारे में. तो देख लेते हैं हम उसी चार्ट को जो हमने चैप्टर में देखा था, ठीक है. चार्ट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का, ठीक है. तो इसमें जो है वो आप लोगों ने फोर सेंटेंसेस इसमें से देखने हैं, ठीक है. जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, लेकिन साउथ पोल में क्या होगा, द सन स्टेज ऑन द होरिजन फ्रॉम सितंबर टू मार्च, ठीक है. वार्मर देन द साउथ पोल इसको हम कह सकते हैं, और ये क्या होगा, कोल्डर देन द नॉर्थ पोल. इसी तरह से टू सेंटेंसेज मैंने बता दिए हैं, तो फोर सेंटेंसेज आप लोगों ने करने हैं, इसमें से कोई से भी आप लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है. ये हमारी आज की हाफ एक्सरसाइज थी, अभी हमारे पास हाफ एक्सरसाइज बाकी, अभी हमारे पास ग्रामर का पार्ट बाकी है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.